हमेशा क्रिमिनल है, किसी को भी मरवा दे सकता है। हम बोल रहे हैं हो सकता है कल के डेट में हमको मरवा दे। ऐसा क्यों क्यों लगता है? अरे भैया आपको नहीं पता है गुजरात में कौन सा कांड करवा के आया है लोग? आपको नहीं पता है, पूरा देश को पता है, आप भूल गए। गुजरात में जब मुख्यमंत्री था तो गुजरात जला रहे थे, अभी देश का प्रधानमंत्री है तो पूरा देश जला रहे हैं। मैं ये कहूँगा क्योंकि वो मेरे प्रधानमंत्री है, मुझे अपना ना माने वो, लेकिन मेरे देश का प्रधानमंत्री है। मैं तो ये सवाल करूंगा, देश के 80% लोग, 80% एक बात बताऊं, खास बात, यहाँ मुस्लिम नहीं, 80% सड़क पर हिंदू भाई आए हुए हैं, हिंदू महिलाएं आए हुए हैं सड़क पर। आज जो खड़ा है ना इसके अगेंस्ट में, CAA के अगेंस्ट में, वो हिंदू भाई है, संविधान बचाने के लिए आए हैं। देखिए सरकार से गलती हुई है, सबसे पहले मैं कहूँगा, जब 2014 की चुनाव हुई थी, 2014 में जब चुनाव हुई थी तो मोदी कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा। ठीक है, सरकार बन गई, लोग लुभलुभान वादों पे आ गए। उसके बाद सरकार बनते ही तभी से आज तक, 2014 से आज तक मोदी जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ विदेश घूम रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। जब ये सवाल किया जाता था कि आखिर किस पर्पज से जा रहे हैं, सिर्फ यही सुनने को मिला कि देश के लिए कर रहे हैं, देश के FDI, हाँ, बिजनेस है। देश को पहले कोई जानता नहीं था, 2014 में देश को जमीन से खोद के निकाला, उसके बाद मोदी जी बाहर जाके सबको बताया कि भारत नाम का भी एक देश है। उनके हिसाब से इकोनॉमी का इसमें कोई लेना देना है नहीं ग्लोबल इंडेक्स में, ठीक ना। इसमें एक्चुअली देखा जाता है कि हमारा लोकतंत्र, लोकतंत्र का क्या स्थिति है, तो लोकतंत्र का स्थिति बहुत बुरा है, रियल में बहुत बुरा है। अगर पत्रकार को बोलने नहीं दिया जा रहा है तो इससे बड़ा बुरा स्थिति कभी नहीं हो सकता है। आप बताइए ना, बेचारा एक एक चैनल है NDTV जो इनके बारे में कुछ दिखाता था इनके खिलाफ में, उसको 2 दिन के लिए बैन कर दिया। भैया कौन अपने रोजी रोटी पे लात मारना चाहेगा? तो क्या लगता है लोकतंत्र खतरे में है? हाँ है पूरा, इनके इनका जब से राज आया ना, आप बताइए ना, एक नेता BJP का बता दीजिए, ये बोलते हैं दूसरे पार्टी को गाली देते, एक नेता BJP का हमको बता दीजिए आप कि अमित शाह मोदी जी के बारे में कुछ चू शब्द या उनके कोई फैसला का विरोध किया हो, नहीं करता है। कांग्रेस और दूसरे पार्टी का बात करते हैं, भैया हम बताना चाहते हैं जनता को, कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी है जो खुल के लोकतंत्र है, ठीक ना, उसके अंदर बोलते रहिए। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र मैंने पहले भी कहा था कि भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की व्यवस्था में भारत का नागरिक जीता है, लेकिन उसमें सबकी मर्यादा है, कोई भी अपने अपने धर्म का प्रचार करता है, पालन करता है, उस पर भी कोई रोक नहीं है, ठीक है। अपने 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 कार्य से धन कमाता, धन कमाने की भी कोई रोक नहीं है, लेकिन काला बाजारी से कोई कमाता तो उस पर कानून का डंडा है, ठीक है। तो क्या सर आप भी मानते हैं कि सरकार से कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं जिस सरकार से? ये बात ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी, ये जो दो भाई हमारे हैं ये काबिल तो हैं लेकिन इनमें गहराई नहीं है, उम्र के साथ अभी छोटे हैं। आपको पता ही नहीं है कि GDP से नहीं इंडेक्स का कोई लेना देना, ग्लोबल इंडेक्स का GDP, इन्होंने चार अक्षर पढ़ लिए तो इन्हें ये लगता है कि चार वेद भी तो गिर रही है। मैं बोल रहा हूँ ये जो बच्चे हैं इनको अच्छी बात है, युवा मजबूत है, देश मजबूत है, देश का जवान जगना चाहिए और देश की जवानी सोनी नहीं चाहिए, जगनी चाहिए, लेकिन जवानी में के जोश में आके बेहोशी का काम कर रहे हो। अहिंसावादी देश को गांधी जी का नारा लेके, गांधी जी के अहिंसावादी गांधी जी उनके देश में रहकर हिंसा का प्रेशर देकर और देश में तुम इस तरह की बात कर रहे हो। अब रही बात GDP की, सुनो ना, हिंसा की बात तो कहीं ना कहीं BJP की तरफ से हो रही है। देखिए महिलाओं पर केस कर देंगे। अरे एक आप प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, आप उनकी बात मान रहे हैं, आप देश का प्रधानमंत्री उसकी सुनो वो क्या कहता है। गृह मंत्री का नहीं सुने? नहीं नहीं कोई किसी ने गृह मंत्री का नहीं सुना। आप आप जब तक बोले मैं बीच में नहीं बोला, ये मतलब पाचन क्रिया भी कमजोर है, मैं यही तो कह रहा था, एज के हिसाब से पाचन क्रिया भी कमजोर है, ना सामाजिक ना आध्यात्मिक, इनको ज्ञान नहीं है। बच्चे चार अक्षर पढ़ लिए, मोबाइल देख लिया खोल के, उसी में सब उसी को लौटपोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार से गलतियां हैं, मैं मानता हूँ बेरोजगारी पे थोड़ी कमी है, बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है। सुनिए बेरोजगारी की कम, अरे रुको ना मैं भूल रहा हूँ,
जीडीपी की बात आई है, ये गिरावट है, मानता हूँ सरकार, मौजूदा सरकार का दोष है इसमें, मतलब जो है इसका सुधार करना चाहिए, नहीं तो देश और ज्यादा कर्जे में डूब जाएगा दिनों दिन, ये मानता हूँ, मैं मानता हूँ सरकार में गलती है, सरकार में गलती है मानता हूँ, लेकिन भारत के ही कुछ लोग उनको सुधार करना चाहिए। जितना भारत का युवा है, अगर इतना युवा शुभचिंतक है, तुम दोनों इतने शुभचिंतक हो, अरे सड़क पर बैठो, अपनी बात कहो, प्रधानमंत्री पर डेरा डालो, अरे सुबह खाना खा लिया, अरे डालो ना, आप परमानेंट डालो, हर स्टेट का युवा आए और सड़क पर बैठे, बैठ के कोई राजी है, कोई बैठ के राजी है, बाहर घर में बैठ के बात सुनिए। इनका बात सुन के मुझे याद आ गया शोले फिल्म का, जब धर्मिंदर का रिश्ता लेके जाता है मौसी के पास जाता है अमिताभ बच्चन, तो जाके क्या कहता है पता है, जब लड़का के बारे में पूछती है ना मौसी, तो क्या कहता है, हाँ मौसी लड़का बढ़िया है, लेकिन अभी कोठे पे जाता है, लेकिन वो छूट जाएगा, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। और बोला कुछ खाता पीता भी है क्या, हाँ मौसी कभी कभी पी लेता है, दोस्तों की आदत लग गया है, अब क्या करे, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। वही बात कर रहे हैं ये भैया मोदी जी, हाँ मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो फेल हो गए जीडीपी में, वो नौकरी उकरी नहीं दे पाए, 2 करोड़ वादा किया था, अपने वादे पर रहा नहीं, लेकिन ये लोग क्या पता है, 4 अक्षर पढ़ लिया है, कुछ आता पता तो है नहीं, लेकिन अच्छा है मोदी जी। फिर क्या कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया, आप कैमरा में ये मीडिया वाले हैं, आप पूछ रहे हैं, हाँ 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन खैर वो हो जाता है, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, यही जवाब है इनका। सुनिए, 4 अक्षर पढ़ लिया, ये लोग को क्या पता, लेकिन हाँ सर बोलिए, पार्टी में लोकतंत्र की बात है ना, इनके पार्टी में कोई जवाब नहीं देता है, ठीक ना, और कांग्रेस में जब 370 का बिल आया था ना, तो कांग्रेस में बहुत सारे, एक दो नेता नहीं, बहुत सारे ऐसे नेता थे खुल के आए सामने, बोले हम 370 का सपोर्ट करते हैं, ठीक ना, तो लोकतंत्र की बात बीजेपी तो नहीं ही करे, नहीं तो कांग्रेस के नेता भी तो आए थे कुछ 370 के सपोर्टर। अरे वही बात बोल रहे हैं ना, वही बात हम आपको बोल रहे हैं कि कांग्रेस ये एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, बाकी किसी भी पार्टी में डेमोक्रेसी ही नहीं है, खुल के उस पार्टी का आदमी बोल नहीं सकता, विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टी से हटने का डर है। बताइए किसको हटा दिया गया, 370 का जो विरोध किया, ठीक ना, उसको भी रखा गया पार्टी में, जो सपोर्ट किया वो भी आज के डेट में है पार्टी में। आप बताइए ना, बीजेपी में एगो बोलेगा, एगो नहीं बोल सकता है, एगो को विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन बीजेपी में तो कहा जाता है कि सबकी सुनी जाती है, किसका सुना जाता है भैया, एगो कोई खड़ा हुआ, अभी दो दिन पहले इलेक्शन हुआ है, अध्यक्ष पद का कोई खड़ा हुआ, इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं, क्या बात कर रहे हैं भैया, डेमोक्रेसी होता तो दूसरा कोई खड़ा था, डर से कोई खड़ा नहीं हुआ, अमित शाह क्रिमिनल है, किसी को भी मरवा दे सकता है, हम बोल रहे हैं हो सकता है कल के डेट में हमको मरवा देगा, ऐसा क्यों क्यों लगता है? अरे भैया आपको नहीं पता है गुजरात में कौन सा कांड करवा के आया ये लोग, आपको नहीं पता है, पूरा देश को पता है, आप भूल गए, गुजरात का मुख्यमंत्री था, गुजरात में जब मुख्यमंत्री था तो गुजरात जला रहे थे, अभी देश का प्रधानमंत्री है तो पूरा देश जला रहे हैं, मैं ये कहूँगा क्योंकि वो मेरे प्रधानमंत्री है, मुझे अपना ना माने वो, लेकिन मेरे देश का प्रधानमंत्री है, मैं तो ये सवाल करूँगा, मैं सवाल करूँगा मोदी जी, RBI से आप 1,76,000 करोड़ रुपए हाउडी मोदी करने गए थे, यहाँ अमेरिका में बता रहे थे कि हम बहुत पावरफुल है, पैसा बहुत है हमारे पास, और यहाँ और वहाँ जाके बोल रहे हैं कि सब चंगा सी, और यहाँ पर देश के लोग किस हालत में जी रहे हैं, किसान किस हालत में जी रहे हैं, और इंस्टीट्यूशन को आप क्या कर दिए, आज जो सड़क पर आया हुआ है NRCCA के विरोध में, इसके विरोध में क्यों आया है, पढ़े लिखे आप तो खुद कह रहे हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक इंटरव्यू में आप राजीव शुक्ला को इंटरव्यू दे रहे थे, बोल रहे थे देखिए पहली बात है मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, फिर आप कह रहे हो जब पढ़े लिखे लोग रोड पे आके इंस्टीट्यूशन, देश के सारे यूनिवर्सिटी सारे इंस्टीट्यूशन आके रोड पे खड़ा होकर कह रहा है कि आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो, तो आप उसको गलत ठहरा रहे हो, पढ़े लिखे आप हो या जो आप खुद कहे थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, किसका बात माने, मोदी जी का बात माने या उन पढ़े लिखे लोगों का बात माने? अब एक चीज यहाँ पर आप सवाल कर रहे थे 370, देखो 370 किसी भी स्टेट का कोई स्पेशल अगर स्टेटस आप हटाते हो तो वहाँ सरकार होना चाहिए, वहाँ पर विधानसभा होना चाहिए, बहस होना चाहिए, क्या वहाँ पर विधानसभा चल रही थी? तीन मुख्यमंत्री को आप कैद करके रखे हो और वहाँ से हिटलर शाही करके आप ये हटा दिए, हम विरोध में नहीं है मान के चलो, नहीं विरोध में है ही नहीं सर, लेकिन किस आधार पर होना चाहिए, डेमोक्रेसी आधार पर होना चाहिए, संविधानिक आधार पर होना चाहिए, या ऐसे ही हो जाएगा वो स्पेशल स्टेटस 370
और कहीं 371 भी लगा हुआ है, कहीं 372 भी लगा हुआ है, 11 स्टेट में ये धारा लगा हुआ है। उस आप वो करके वहाँ उस समय आप हंगामा खड़ा कर दिए थे। क्यों हंगामा खड़ा किए थे? जीडीपी को जीडीपी पर बात नहीं करने के लिए आप 5 हवाई अड्डा बेच दिए, ट्रेनें बेच दिए, इसको छुपाने के लिए आप जीडीपी इतना नीचे चला गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमारे हमसे आगे बढ़ गया। उसको ढकने के लिए आप कहीं धार्मिक ये फैला रहे हो, कभी आप 370 का मुद्दा लेके आ रहे हो। अब बताइए हमारे देश के लोग युवा क्यों मोदी जी को वोट दिए थे? उसका भाषण सुन के उनका, अगर पुराने भाषणों को अगर निकाल के अगर कोई देख लेगा ना भाई साहब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सुन के। ठीक है 100 स्मार्ट सिटी और ये 2 करोड़ हर साल नौकरी कहाँ गया? ये बोले क्या भैया? देखिए सबसे पहला बात, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री देश के, किसी एक कास्ट या ये इसके नहीं, जाति के नहीं, ठीक ना, सबके 130 करोड़ जनता है, 130 करोड़ के आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक ना। और सब दूसरा बात, नाक का सवाल नहीं बनाइए, ठीक ना। ये जो आपको ईगो प्रॉब्लम है ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक ना। जिस दिन से आप ईगो प्रॉब्लम हटा दीजिएगा ना, उस दिन से देश तो मेरा बहुत बढ़िया है। इंडिया से बढ़िया देश ना कोई भी नहीं, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में घूम के आ जाइएगा ना, अपने देश से बढ़िया कुछ नहीं है। तो क्या इनके पास ना, यही एक प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम। आप एक यूथ, आखिरी सवाल फिर वही है मेरे द्वारा से, ग्लोबल इंडेक्स में 10वें पायदान पे फिर लड़क जाना भारत का, असली कमी कहाँ रहेगी सरकार कहाँ? अरे भैया हम बता दिए ना, आप तो झूठ मूठ के इकोनॉमी के पीछे भाग रहे हैं, इसका मेन वजह वही है। उसमें हम बताए ना, चार चीज आपको बताए ना, वही मेन वजह। आप यहाँ आदमी को बोलने ही नहीं दीजिएगा, ठीक ना, लोकतंत्र खतरे में है, ठीक ना। तो कहाँ से आपका इंडेक्स बड़ी वजह? अब बताइए आज तक कभी जब से देश आजाद हुआ है तब से आप कहियो सुने हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज सरकार के विरुद्ध में बोला हो? कहियो सुने हैं? इतना ही छोड़ दीजिए, सीबीआई का जो प्रमुख है, अब बताइए उसके यहाँ जाके सीबीआई रेड कर रही है? मतलब भैया महान है, भैया महान है, आप ही एक सरकार चलाने वाले हैं, बाकी तो यहाँ घास करने वाला है। जनता तो बेवकूफ है, आप जितना चाहिए मूर्ख बना लीजिए, जनता तो सबसे बड़ा पागल है। भारत अगर पिछले 5 साल में ये दिक्कत थी, समस्या 2000 कुछ भाई हमारे छोटे भाइयों ने ये कहा कि 2014 से जब से मोदी जी आए हैं तब से ये समस्याएं बड़ी होती चली आई, तो आपने 5 साल बाद 303 सीट देके क्यों इस्तीफा कराई? हम मूर्ख मोदी जी हैं कि तुम हो? तो क्या जनता को मूर्ख मान रहे हैं? अरे मूर्ख क्या मान रहे, जब जनता को कम, ये सवाल सही है, सुनिए, जनता को मूर्ख, जनता भी सवाल खड़े कर रही है, जनता अगर सवाल खड़े करी तो मूर्ख ही हो गई। अच्छा, और क्या? अरे बाप रे बाप, बीजेपी नहीं, जनता मूर्ख है। हां मूर्ख, अरे मूर्ख आप जब जो जिसको आप चुन रहे हो और आप सरकार, देश में जो है ना ज्यादातर लोग सरकार के विरोध में है, ठीक है ना, और कुछ ही अंधभक्त बना हुआ है। हमको तो पहले ही पता था कि कोई अच्छे दिन आने वाले नहीं है, अंधभक्त ठीक है, अच्छा एक याद आ, अच्छे दिन आने वाले नहीं है, लेकिन धोखा तो इन लोगों के साथ हुआ है जो अभी भी अंधभक्त बना हुआ है। देश का हालत ये देखो, देश के अंदर, सुनो, देश के अंदर अंधे भक्त और चमचे ये निरंतर रहेंगे, चमचे तो वो है जो अंग्रेजों का चमचा ये कर रहे थे, और देश में प्रदूषण और देश में खरदूषण ये निरंतर रहेगा, ये खत्म नहीं हो सकता, सरकार चाहे मोदी जी की आ जाए चाहे युवाओं की। हाँ रही बात युवाओं की, युवाओं को अगर देश की चिंता है, अगर यूथ ब्रिगेड आगे आना चाहता है, तो आप पूरे स्टेटों का, सारे स्टेटों के सारे अब वो उस पर मत जाइए, आप मत जाइए। हाँ। आजकल ये कह रहे थे ना 5 साल में 6 साल में, पहले भी नफरत है, पहले भी थी, लेकिन भैया आज जो सड़कों पर नंगा नाच करके छोड़ दिया है ना मोदी जी, इनका नीति और इनकी सरकार, ये पहले कभी नहीं होता था। नफरत थी लेकिन नंगा नाच नहीं होता था सड़कों पर, माँ बहनों को वो सड़क पर लाके खड़ा नहीं करता। अगर उनसे सवाल करे कि आप आओ हमसे बात करो, सवाल तो हो, वो सवाल सुने सुनिए तो वो क्या कहते हैं कि विपक्ष है। अरे भाई वो विपक्ष है, देश के 80% लोग, 80% एक बात बताऊं खास बात, यहाँ मुस्लिम नहीं, 80% सड़क पर हिंदू भाई आए हुए हैं, हिंदू महिलाएं आए हुए हैं सड़क पर, आज जो खड़ा है ना इसके अगेंस्ट में, सीए के अगेंस्ट में, वो हिंदू भाई है, संविधान बचाने के लिए आए हैं, ठीक है।
ये लोग उसको विपक्ष का ये दे नाम दे रहे हैं। भाई विपक्ष नहीं है, संविधान बचाने के लिए जो आप लोग संविधान को नहीं मानते हो। वहाँ खुर्शीद साहब गए है ना, अच्छी बात है। मणिशंकर गए, अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी का तो कोई प्रतिनिधि नहीं है। अच्छा नहीं गए, आप साफ बता रहा हूँ। असम में असम का मुख्यमंत्री बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों विरोध कर रहा है सड़क पर आके? असम का मुख्यमंत्री क्यों विरोध कर रहा है सड़क पर आके? असम में बीजेपी बहुत सारे बीजेपी नेता क्यों सड़क पर आ गया है सरकार के विरोध में? क्या मेनस्ट्रीम मीडिया दिखाएगा? और एक बात बताऊं, ये वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं सीएए का जो चिन्मयानंद जैसे लोगों का सपोर्ट करता है, बस वही लोग हैं।